मसीहियों को सलाम पेश करता हूँ और तमाम जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं भाई उनको अस्सलाम वालेकुम। जनाब आफताब इकबाल साहब, बल्कि सबसे पहले पास्टर निक्सन जॉन साहब, मैं उन्हों का शुक्र गुजार हाँ कि उन्होंने छजवाल दे विच सानू बुलाया और शहीद छबाल बट्टी की कुरबानी तो बाद उन्हों की शहादत तो बाद 2011 तो बाद उन्होंने फिर लोगों नू एक उम्मीद दिलवाई कि अज छबाल बट्टी का मिशन तो उन्हों की तहरीक जिंदा है। गुलजार साहब, अरशद ठेकेदार साहब, एल्बर्ट गिल साहब, एजाज खोखर साहब, आसफ इकबाल साहब, इमरान जानी साहब, जलील बट्टी साहब और बुजुर्ग दानियल मसीह साहब और इहदे नाल नाल शान जलाल मून गिल साहब और प्यारे भाई हसन लंबड़दार और 172 चक दे सारे लोगों, 166 चक मेलुआ तो जिहड़े दोस्त तशरीफ लैके आए ने, 132 चक तो जिहड़े दोस्त आए ने और 167 कटारियां तो और जिहड़े सत्याणे तो दोस्त आए ने, मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अज इत्थे मौजूद हो और असी पाकिस्तान दियां ना सिर्फ अकलीयतां बल्कि जिहड़े पाकिस्तान दे मजलूम ते महकूम लोग ने उन्हां दे हक दी गल करके उन्हां दे हक दी आवाज़ उठा के इत्थे तशरीफ लाए ने। एक शेर है कि मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है, मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है, जो ना मिट सके वतन पे मेरा हम सफर नहीं है, दरे गैर पर हमेशा उन्हें सर झुकाए देखा, कोई ऐसा दागे सिजदा मेरे नाम पर नहीं है, किसी संग दिल के दर पे मेरा सर ना झुक सकेगा, किसी संग दिल के दर पे मेरा सर ना झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं है। आज मेरी तहरीक या मैं तेरे को वोट मंगन नहीं आए, ना तेरे को नोट मंगन आए हैं, बल्कि तैनू यह जिहड़ा झंडा तुसी फड़े है ये परचम दे थले कठिया करन लई मुतहिद करन लई तुहाडी हमायत हासिल करन आए हां और ये हमायत 11 अगस्त 2022 नू जिहड़ी असी इस्लामाबाद बी चौक दे विच रैली कर रहे हां उस लई तुहानू दावत देण आए हां कि तुसी 11 अगस्त नू जुमेरात दा दिन 4 बजे दा वक्त इस्लामाबाद डी चौक साढ़े नाल मिलके साड़ी काल दे उत्ते साड़ी रैली शामिल हो, साड़े जलसे शामिल हो, ताकि असी मिलके कौम दे हकूक दी आवाज उठाइए। ते 11 अगस्त दा दिन असी इस लई चुनिया कि 11 अगस्त 1947 नू कैद आजम मुहम्मद अली जिना ने कौमी असैम्बली दे नाल खिताब करदिया होया एक गल कही कि पाकिस्तान सारे लोग बराबर दे शहरी होंगे, मुस्लिम आजाद ने के अपनी मस्जिदों च जान, हिंदू आजाद ने अपने मंदिरों च जान, मसीह आजाद ने अपने गिरजिया च जान, रियासत दा इहदे नाल कोई तलक नहीं होएगा, सारिया नू बराबर दे हक हासिल होंगे, कोई रंग नस्ल मजहब ते अकीदे दी बुनियाद ते पहचानिया नहीं जाएगा और इहदी वजह नाल इसलिए 11 अगस्त नू असी जिना दे पाकिस्तान दा नां दिता है कि सानू पाकिस्तान मुहम्मद अली जिना दा पाकिस्तान चाहिदा है जिदी 1947 दे विच बुनियाद रखी गई और छबाल बट्टी शहीद ने 11 अगस्त 1995 नू पहली बारी रैली कढ़ी इस्लामाबाद दे विच जिना दे विच उहना ने बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान चो गए जिदे बिशप जान जोसफ भी शामिल सन और उन्होंने उदन कैद आजम दे पाकिस्तान की गल की, अवामी जमहूरिया पाकिस्तान की गल की
और फिर उस तो बाद जो शहबाज भट्टी वजीर बने 11 अगस्त उन्होंने योमे अकलीत करार दिलवा दिता कि उदन अकलीत के हकूक की गल की जाएगी। अज फिर मिनोरिटीज अलायंस पाकिस्तान शहबाज भट्टी की जमात 11 अगस्त को कौम नू काल दिती है कि आओ असी कठे होइए ते अपने हक की आवाज उठाइए, क्योंकि साडा सब तो वड्डा मसला साडे इलेक्शन सिस्टम का मसला है, साडे इंतखाबात का मसला है। असी अपने नुमाइंदे जे अकलीतां दे नां ते कौमी ते सूबाई असैंबली दे विच मौजूद ने उहनां नू सिलेक्ट कर लिया जांदा है, उहनां नू सानू हक हासिल नहीं कि असी अपनी वोट दी ताकत दे नाल कौमी असैंबली या सूबाई असैंबली च अपने MPA या MNA नू भेज सकीए। साडा अकलीतां दा 35 लाख वोट है, क्रिश्चना का 16.5 लाख वोट है, हिंदुओं का 17 लाख वोट है और बाकी अकलीतों का मिला के 35 लाख वोट है। और इस 35 लाख वोट का फैसला कौन करते हैं? 4-5 वड्डियां पार्टियां के सरबरा, किसी नूं पीपल्स पार्टी वाले वोट दे चुक के साडे सिर ते बिठा देंदे ने, किसी नूं नवाज शरीफ की पार्टी साडे सिर ते बिठा देंदी है, किसी नूं इमरान खान की पार्टी साडे पिंड सिर ते बिठा देंदी है। जमहूरीयत का की मकसद है? जमहूरीयत का मतलब यह है कि तुसी अपने वोट की ताकत के नाल अपने नुमाइंदियां दा इंतखाब करो, ते जिहड़ा साडे मसाइल हल नहीं करदा, जिहड़ा साडे हकूक की गल नहीं करदा, अगले इलेक्शन च उहनूं बाहर चुक के बाहर असैंबली च सुट सको। लेकिन मैनूं दसो, क्या असी अकलीती, क्या असी मसीही लोग, क्या अपने नुमाइंदे दा इंतखाब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 20-20 साल तो साडे MNA या MPA बैठे ने, ना उन्हां नूं असीं बाहर कढ सकने आ, ना कोई साडे हकूक दी गल करदा, ना कोई साडे कोल साडे दुख दर्द शामिल हुंदा। किन्ने लोग दसो, किन्ने साडे इह साडे मिनिस्टर साहब खलीलदार संधू साहब ने 15 साल तो नून दे टिकट ते उहने किन्ने क काम उन्होंने किए, किन्नी वारी तुहाडे पिंड च आए, किहड़ा तरक्कियाती काम करवाया, किन्ने लोगों नूं उन्होंने नौकरी दित्ती। इस तरह ही उन्होंने बाकी दूसरिया जमातों के लोग ने 20-25 साल तो, एक खातून है 20 सालों तो MPA बैठी है, जॉयस जूलियस बिशप रूफन जूलियस की बीवी गुजरांवाले तो उहदा तल्लक है, अज तक एक बारी असैंबली च उन्हें गल भी नहीं की। और अफसोस का मुकाम है कि यहो जे लोग जिहड़े ने जिन्हां दे मूंह ते ताले लगे ने इन्हां नूं असैंबलियां च भेजिया जांदा है। और साडी इह जमात मुतालबा करदी है कि इलैक्शन सिलैक्शन नहीं, इलैक्शन होना चाहिए, अकलीतों नूं वोट का हक हो मिलना चाहिए कि असीं अपने नुमाइंदे मुंतखब करके असैंबलियां च पहुंचाइए, जिहड़े साडे हकूक की गल करन, जिहड़े साडे डिवेलपमेंट की गल करन, जिहड़े सानूं तरक्कियाती फंड देन, जिहड़े साडे बच्चों नूं नौकरियां देन। लेकिन की हुंदा है? ये कोई गल नहीं करते, खामोश तमाशा ही बैठे ने, ये सिर्फ अपनी पार्टियां दे हकूक दा तहफ्फुज करते हैं, साडे हकूक दी गल नहीं करते। इसलिए असीं चाहते हाँ कि सब तो पहला हकूमत साडे कौमी ते सूबाई असैंबली दीआं सीटां च इजाफा करे, क्योंकि 2002 दे विच जदों जनरल मुशरफ ने कौमी असैंबली दीआं 207 नशिस्तां सन जिन्हों वधा के 342 कीतीआं गईआं, क्या अकलीतों की नुमाइंदी आबादी नहीं सी वधी? लेकिन साड़ियाँ वो ही कौमी असैंबली 10 सीटां ने जिहड़ियां 1985 च ज़ियाउल हक ने दित्तियां सन, उन्हें क्यों नहीं इजाफा किया गया? साड़ी सूबाई असैंबली दियाँ पंजाब दियाँ 8 नशिस्तां ने, सिंध दे विच 9 ने, बलोचिस्तान दे विच 3 ने, ते खैबर पख्तूनख्वा च 4 ने। साड़ी भी आबादी वधी, साड़ियाँ सीटां च इजाफा होना चाहिए, ये साड़ी डिमांड है। और फिर उस तो बाद सीटां च इजाफे दे नाल ये बड़ी वड्डी ज्यादती है कि साडा MNA दा हलका पूरा पाकिस्तान है। फैसलाबाद एक जिला है, उहदे च 11 कौमी असैंबली दीआं नशिस्तां ने, 11 हलके ने एक जिले दे विच, और सानू अकलीत तों इलैक्शन लड़न लई MNA नूं पूरा पाकिस्तान फिरना पैंदा है। ये बहुत वड्डी ज्यादती है और आम बंदा इलैक्शन लड़न दा सोच भी नहीं सकदा पूरे मुल्क च, और इस तरह ही MPA बनन लई पूरे सूबे च इलेक्शन लड़ना पैंदा है। ये बहुत वड्डी ज्यादती है, इस लई साडी जमात आंदी है साडी हलका बंदी कीती जानी चाहीदी है, कौमी सूबाई असैंबली दीआं सीटां च इजाफा करके हलका बंदी कर दित्ती जाए। जिस तरह तुसी साढ़े 2.5 तों 3 लाख दे वोटां दी तादाद ते एक MPA दी सीट देंदे हो, ते 4 लाख दे वोटां दी तादाद ते एक तुसी MNA दी नशिस्त देंदे हो, इस तरह ही अकलीतां दी भी हलका बंदी कीती जानी चाहीदी है। और इहदे नाल सानू दोनों वोट का हक देना दिता जाना चाहिए कि असी हल्के अपने जेड़े
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਖਸੂਸ ਨਿਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ 23 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜੀਏ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਪਾਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 35 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 22 ਕਰੋੜ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.59% ਹੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1.60%। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 34.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਔਰ 36 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਦਾਦ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਔਰ ਉਦੋਂ ਮਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀਆ ਦਾ? ਕਾਮਰਾਨ ਮਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਡੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰੁਸਤ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ 1.59% ਦੀ 1.28% ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ? ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 11 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤਾਈ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਨੇ 5% ਕੋਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਹਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ 5% ਕੋਟਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 5% ਕੋਟੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 5% ਕੋਟਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ
मैडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां भी दे ताकि साढ़े जिहड़े बच्चे ने कॉलेजों के यूनिवर्सिटियां पढ़ के उन्होंने सीटों पर फायज हो जाए फिर ही सानू 5% नौकरियों के कोटे का फायदा है अदरवाइज सानू कोई फायदा नहीं। इसलिए असीं गवर्नमेंट अगे ये भी डिमांड करांगे कि अकलीतां नूं 5% कोटा तालीमी कोटा दिता जाए ताकि साढ़े बच्चे कॉलेजों यूनिवर्सिटियां भी पढ़ सकन। पहला साड़िया बच्चिया नर्सिंग च एडमिशन लै सकदियां सन लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह भी नहीं लै सकदियां क्योंकि असीं अकलीती लोग जिहड़े आ मसीह खुसूसी तौर पर असां मुल्क दे विच सेहत दे शोबे की बुनियाद रखी असीं तालीम दे शोबे की बुनियाद रखी फजाइया दे विच आर्मी दे विच साडे शोधा ने अपनी जानां दा नजराना पेश किया। इसलिए सानू चाहिए कि इन्हां शोबियां दे विच अकलीतां नूं रियलिटी दिती जाए ताकि साडे बच्चे जिहड़े ने उह इन्हां दो शोबियां दे विच आ के ते अपनी गुरबत ते जहालत दा खात्मा करन उन्हां नूं नौकरियां मिलन। ये साड़ी डिमांड होएगी 11 अगस्त को इस्लामाबाद कि साढ़े बच्चों नू हक दे उन्होंने नौकरियां मिलन उन्होंने रोजगार मिले उन्होंने हुनरमंदी सीखने लई कोटा मिले उन्होंने कॉलेज दाखिले लैन लई कोटा दिता जाए। और अंग्रेज जो चले गए और ये मुल्क आजाद हो गया और आहिस्ता आहिस्ता असी अकलीतां जिहड़ियां ने शहर च मुंतकिल होए पाकिस्तान बनने तो बाद कोई आबाद गांव नहीं होए कोई मसीहां नूं ज़मीनां ना दित्तियां गईयां ना शहरां दे विच ना चक बनाए गए। अज असीं जिहड़े खुशपुर वर्गे गांव वेंदे आं पिंड वेंदे आं यंसनाबाद माटनापुर या 424 अंग्रेजां दे दौर दे पिंड बने ने लेकिन उस तो बाद कोई पिंड नहीं बनाए गए। असीं हुकूमत नूं भी डिमांड करांगे कि मसीहां नूं ज़रात करन लई उन्होंने अपनी गुरबत के खात्मे काश्तकारी करने जराई जमीन दिखाई जा शहर उन्होंने रहायश इख्तियार करने भी रकबे दिते जाके लोग अपने अच्छे मकान छप सकन अपनी जमीन से काश्तकारी कर सके अपनी गुरबत के जहालत का खात्मा कर सकन। कुछ साढ़े मुकदर च नहीं लिखा कि असा पठिया से इटा ही पानिया ने या उस तरह खाक रोग जो साढ़े लोग शहर च करते हैं वह भी रहना है कुछ साढ़े मुकदर च नहीं लिखा। असी पाकिस्तान की खिदमत करने हैं पाकिस्तान के वफादार हाँ असी कभी दहशतगर्दी नहीं की कोई बम धमाका नहीं किया असी हमेशा अमन की गल करने प्यार की गल करने तो हुक्मरानों होश के नाखुन लेने चाहिए ने कि साढ़े प्यार मुहब्बत हुबल बदली का फायदा चुकते हुए सानू बराबर से यकसा हकूक दिते जाके असी मुल्क की सरबुलंदी लिए काम कर सकीए। असी कोई यतीम नहीं असी कोई लावारस नहीं सानू फतह करके नहीं लिया बल्कि असी इस धरती के वासी हाँ साढ़े बाउजदाद ने पाकिस्तान बनने के अपना वोट कास्ट किया और 4 वोट पा के यह पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनया यदा तारीख गवाह है। असी 11 अगस्त को इस्लामाबाद दे विच 3 हलके ने कौमी असैम्बली दे हर हलके दे विच 25 तो 35 हजार वोट है क्रिश्चन का एक हलके दे विच 45 हजार वोट है लेकिन साढ़े मसीही लोग उत्थे नालियां ते आबाद ने जदों सैलाब आउंदा उन्होंने बहा के लै जांदा है उन्हां दा कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता ना हुकूमत उन्होंने मालकाना हकूक देती है ना किसी होर जगह उन्होंने अच्छी जगह देती है। इसलिए असी 11 अगस्त अपने इस्लामाबाद के मसीहां के बुनियादी हकूक की गल करांगे उन्होंने जेड़े उन्होंने जड़िया उन्होंने को जो मकान ने उन्होंने रियलिटी की गल करांगे उन्होंने मलकीयत के हकूक की गल करांगे कि हुकूमत उन्होंने मालकाना हकूक दे जिहड़ियां उत्थे बस्तियां बाद ने अज भी इस्लामाबाद वर्गे शहर च रिमशा कलोनी दे विच कोई बिजली नहीं कोई सैनिटेशन का बंदोबस्त नहीं और लोग बेचारे नेरे दे विच ना उत्थे गैस है ना सिवरेज है और ना बिजली है। असीं अपने उन्होंने लोगों की जाके गल करांगे कि हुकूमत कैपीटल दे विच रहण दे बावजूद अकलीतां वल तवज्जो नहीं दे रही असीं उन्हां नूं कहांगे कि वी इंसान ने असीं भी पाकिस्तान दे हिस्सेदार हाँ इसलिए सानूं मालकाना हकूक भी साढ़े लोगों नूं दित्ते जाण। इस लई कैडा साढ़े नाल शामिल होना साढ़े हक लई आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि कौमां मुत्तहिद हो के कौमां कट्ठियां हो के फिर ही अपने हक लै सकदियां ने। इस लई मैं जिहड़ियां चंद इक गल्लां कीतियां ने
ना इन्हां च कोई तसद है, ना इन्हां च कोई नफरत है, बल्कि इंसान दे बुनियादी हकूक दी गल है। साडा फंडामेंटल राइट है, साडा हक है कि सानू ये बुनियादी सहूलत रोटी कपड़ा मकान इंसाफ का सिस्टम ते सेहत का सिस्टम मिले ताकि असी इंसानां दी तरह पाकिस्तान च जिंदा रह सके। दूसरी जमातां सानू झूठे नारे ला के लॉलीपॉप खा के सारा दिन असीं दूसरियां पार्टियां दे जलसियां जाने उन्हां दे झंडे उठाने आ, लेकिन स्टेज तो कदी साडी गल नहीं हुंदी। इमरान खान साहब अपनी तकरीर करके चले जाते हैं, मरियम नवाज अपनी तकरीर करके चली जाती है, और बिलावल भुट्टो अपनी तकरीर करके चले जाता है, और असीं अकलीती लोग मुंह चुक के बेंदे रहने आ। कोई ताडा एम एन एम पी ए कभी स्टेज पर दसो मैनू कोई तकरीर करता है? नहीं करता। इसलिए आओ अज अपनी तहरीक मैनोरिटी अलायंस पाकिस्तान का परचम थामीए, अज अहद करो कि असी अपनी जमात को मजबूत करना है, जेड़े ना सिर्फ मजलूम महकूम की गल कर दी है बल्कि असी इंसानियत की गल करने हैं। असी सिर्फ अकलीत की नहीं गल करते बल्कि किसी साढ़े माड़े ते हमात मुस्लिम भरा दे नाल, हिंदू भरा दे नाल या सिख नाल भी ज्यादती हुंदी है, ते असी उन्हां दे हकूक की भी गल करने हैं। पिछले महीने पेशावर दे विच दो सिखां दा कतल किया गया, असी उत्थे गए उन्होंने इंसाफ की गल की, असी एहतजाज भी किया, इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो हिंदुओं के बच्चे सिंध च अगवा होंगे ने, उन्होंने कन सिंध बच्चियां अगवा होंगे ने, असी उन्होंने हकूक की भी गल करने हैं। तो असी कोई मुस्लिम भाई होए अगर उन्होंने छोटिया बच्चिया का ज्यादती होए या उन्होंने इस्तेसाल होंगे तो असं उन्होंने नाल भी खिलौने। मैं वकील हाँ, मैं बहुत सारे फ्री केस किसी भी मजहब के तफरके तो बावजूद असं उन्होंने केस भी लड़ने, उन्होंने फ्री लीगल असिस्टेंस भी देने। क्योंकि माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान शहबाज भट्टी की जमात है, शहबाज भट्टी ने बैनर मजहब हम आंगी की गल की कि नफरतां नूं घटाना चाहिए ते मुहब्बतां नूं वधाना चाहिए, तो उन्होंने मिशन लैके अज असी निकल रहे हैं। इसलिए सारे पाकिस्तान के जिन्हें भी लोग हो, चाहे वह अकलीत नाल ने, चाहे जिन्हें भी मजलूम तबके ने, आओ मिल के असी पाकिस्तान नूं गुलदस्ता बनाइए, खूबसूरत बनाइए, इतों गुरबत का खात्मा करिए, इतों जहालत का खात्मा करिए, इतों तोसत का खात्मा करिए, इतों नफरत का तो छूतछात का खात्मा करिए, इतों दहशतगर्दी का खात्मा करिए, ताकि असी मिल के ना सिर्फ 11 अगस्त मना सकी बल्कि 14 अगस्त भी मनाइए, और यह नारा लाइए कि पाकिस्तान जिन्हों का पाकिस्तान है, जिन्हों का लिबरल सैकुलर पाकिस्तान है, ये ऐसा पाकिस्तान है जिथे कोई शख्स रंग नसल मजहब के अकीदे की बुनियाद पर पहचाने नहीं जाए, बल्कि कारोबारे मुमलकत विच सारे बराबर दे शहरी होंगे। असी भी इस तरह अगर अकमल पट्टी का दिल करे कि समुद्री तो इलेक्शन लड़ना है, तो फिर मैं इलेक्शन लड़ा, तो सिर्फ मैं इसलिए रिजेक्ट ना कर दिता जाए कि मैं अकलीत तो तलक रखना, मैं मसीह है इसलिए असी इन्हें वोट नहीं देना, बल्कि पाकिस्तान असी इंज का माहौल कायम करना है कि मैनू मेरी सलाहियत की बुनियाद पर, मैनू मेरी तालीम की बुनियाद पर, मैनू मेरी खिदमत की बुनियाद पर वोट मिलना चाहिए और मैं असेंबली जाना चाहिए। इसलिए आखिर दे विच मैं फिर एक बारी तुहाडा शुक्रिया अदा करदे होया, मैं जिवें पहला कहा सी कि आ गल्लां जिहड़े असी हक दियां कीतियां ने, जिहड़ा मंशूर लैके असी निकले हां, वह गल्लां दे लई अपने हकूक लई साडा साथ दो, ते 11 अगस्त नूं साडे नाल मिल के इस जलसे शामिल हो, रैली च शामिल होवो, ताकि असी इकट्ठे होकर पाकिस्तान च दस सकीए कि असी एक ऐसी कौम आ जिहदे को अपना झंडा भी है, जिहदे को अपनी क्यादत भी है, जिहदे को अपने नजरियात भी है, जिहदे को अपना मिशन भी है, जिहदे को अपना रोड मैप भी है, जिहदे को अपने नजरियात भी ने, ते जिहड़ी अज इकट्ठी होके
ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਤਾਲਬਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਾਸੀਏ ਤੇ ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਵਫਾਕੀ ਸ਼ਰਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।